हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब बज रहे दोपहर के शायद 12:30 बज रहे होंगे। पहली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि पूजा करने में मुझे बहुत टाइम लगा। आज गुरुवार का दिन है तो पूजा करने में शाही बाबा का अभिषेक कथा सब हुई। फिर भगवान को भी मैंने आज पीताम्बर लगाकर घिस घिस के चमका दिया है। फिर मंदिर में बिठाकर पूजा कर दी है। बहुत टाइम लगा था उसी में। फिर बाद में कपड़े उपड़े धुले, बर्तन हो चुके। फिर आप थोड़ी देर आ चुके हैं छत पर और आप देख सकते हो मौसम काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुहाना मौसम हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर। कल से ना उतनी तेज़ धूप नहीं है, थोड़े से बादल छाए हैं, शायद बारिश हो सकती है, मगर बारिश हो नहीं रही है। मगर लहसुन लगाया ना हमने दशहरे में, आपने देखा होगा, तो उसे थोड़ी सी पानी की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा मैं पानी उसे छिड़क देती हूँ पाइप से। बारिश हो या ना हो थोड़ा थोड़ा सा दे देंगे, अगर बारिश हो गई तो ज़्यादा हो सकता है पानी। तो चलिए पानी देना चालू कर देती हूँ मैं। तो इस तरह से मैं बारिश की तरह पानी छिड़क दे रही हूँ लहसुन में। ज़्यादा बस थोड़ा थोड़ा सा गीला कर देंगे, ज़्यादा पानी नहीं छोड़ेंगे। तो यहीं से इस तरह से पाइप से मैं पानी दे रही हूँ। अगर बड़ा पाइप लगाती तो बीच में भी छोड़ सकती हूँ, मगर ज़्यादा पानी नहीं देना है मुझे, इसीलिए आप यहाँ से इस तरह से छिड़क दे रही हूँ। तो लहसुन में पानी देकर थोड़ा सा गीला गीला करके मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर। और दिनेश भी आ चुका है खाना खाने, दोपहर का टाइम है, दोपहर के 1 बज चुके हैं। तो ये ले रहा है दाल चावल और मैं यहाँ पर इस बड़े मुँह वाले डिब्बे में ये नारियल तेल निकाल ले रही हूँ। 4 दिनों से मुझे याद ही नहीं पा रहा है, मगर आज याद से मैंने निकाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें का जो ऑयल है वो सुबह के टाइम जम जा रहा है तो नहीं निकल रहा है इसमें से। ये बहुत छोटा सा हॉल है उसे, तो इसमें डाला है मैंने। और ये भी नारियल तेल का डब्बा है जो पतंजलि से आता है, अब हम नहीं मंगवा रहे हैं, यही मंगवा रहे हैं नारियल पैराशूट ऑयल। तो इसका जो मुँह है ना बड़ा है, तो इसमें हाथ डाल के ले सकते हैं। अगर जमा हुआ तेल भी है तो भी ले सकते हैं। तो सर्दियों के दिनों में अभी ये इसी में ही डालूंगी मैं। तो चलिए रख देते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। सुबह ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है सबको, 4 दिन से यही बोल रहे हैं, मुझे याद ही नहीं रह पा रहा था। और आज याद से मैंने ये डब्बा ही किचन में रख दिया था ताकि मैं भूल ना पाऊँ। बस छोटी छोटी सी बातें होती हैं मगर बहुत बड़े काम करती है। सुबह के टाइम सब परेशान हो जाते हैं जब इसमें से ऑयल नहीं निकलता है, तो लगती तो बहुत छोटी बात है मगर काम बहुत बड़े करते हैं। अब दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और ये आते समय अमरूद लिया है, आज दिन गुरुवार का व्रत है तो। और केले भी लिया है, केले मैं नहीं खाती हूँ, अमरूद मैंने खा लिया है और ये भी खा चुके हैं। और ना गन्ने का रस लिया है जो मुझे बहुत पसंद है, तो ये ठंडा नहीं था तो इसे मैंने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया है। तो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, नींबू डालकर पी लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये नींबू डालकर। मेथी की एक छुट्टी कब से तोड़ रही हूँ मैं सब्जी, इसमें ना 2-3 बार उठ चुकी हूँ मैं, इसीलिए नहीं हो पाया है। पहले तोड़ने बैठी तो ये आ गए, फिर इनको थोड़ा सा दही वगैरह दे दिया, फिर दिनेश आ गया खाना खाने, ऐसे होते होते अब ये कंप्लीट हो चुका है तोड़ना। रात में ही सब्जी बनाऊँगी। और इन्हें ना मेथी की सब्जी बहुत पसंद है, तो आज व्रत भी उनका, तो व्रत वाले दिन तो पेट भर खाना मिलना चाहिए तभी अच्छा लगता है, तो उनकी पसंदीदा है इसीलिए इसे तोड़कर अभी से रख दूंगी।
ताकि रात में फटाफट में बना सको। तो अब ये सब कुछ साफ कर देते हैं और सब्जी उठाकर फ्रिज में रख देते हैं। अब शाम के 5 बज रहे और झाड़ू वाड़ू लग चुकी है घर में, और यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ चाय। और ये बहुत सारे कवर आपको दिखते होंगे किचन के ऊपर, यहाँ पर ना मैं टमाटर वगैरह सब कुछ सब्जी और खिचड़ी बनानी है। शायद आज गुरुवार का दिन है तो शाही बाबा का प्रसाद बनेगा, प्रसाद में भी खिचड़ी बनाती हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर एक कवर में एक में टमाटर, एक में आलू, एक में हरी मिर्च, ऐसे एक में हरा धनिया, ये सब कुछ रखा हुआ है। तो फ्रिज में से निकाल कर यहाँ पर रख दिया है। तो अब एक एक करके थाली में निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर चाय भी बन चुकी है मेरी, शाम वाली चाय इस ग्लास में यहाँ पर रख दिया है। थोड़ी सी ठंडी हो जाए चाय, तब तक मैं ये सारी सब्जियाँ थाली में निकाल लेती हूँ। हरा धनिया जाली वाले कवर में नहीं रखती हूँ, उसे तोड़ के धुल के जो सब्जी ले आते हैं ना उसी कवर में डालकर रख देती हूँ, ताकि वो सूखा सूखा सा ना हो जाए। इस जाली वाले कवर में रख देंगे तो वो सूखा सूखा सा हो जाता है, हरा धनिया ताज़ा रह नहीं पाता है, तो उसे हवा ना लगे इसलिए ऐसे कवर में डालकर रख देती हूँ। और ये टमाटर आलू सब थाली में निकाल कर रख देते हैं, खिचड़ी की सारी तैयारी करके रख देती हूँ, फिर चाय पी लेते हैं। तो आ जाइए आप भी शाम वाली चाय पी लेते हैं। और ये देखिए सूरज देवता आप दिखने लगे शाम के टाइम 5 बजे। दिन भर धूप नहीं निकली थी बिल्कुल भी, मगर अब शाम 5 बजे धूप निकली है। और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ी सी धूप मिल जाए ना बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से गेट से खिड़की से धूप अंदर आ जाती है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, नहीं तो ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। और दिनेश की पढ़ाई चल रही है, वो पढ़ाई कर रहा है। चाय पीकर मैं आ चुकी हूँ किचन में, और आज मेथी की सब्जी बनेगी रात के खाने में, तो इसके लिए हरी मिर्च भून कर रख दे रही हूँ। हरी मिर्च डाल के मेथी की सब्जी बनाऊंगी, वो काफ़ी टेस्टी लगती है। हरी मिर्च भून कर रख दी है, जैसे ठंडी होगी मिक्सी में पीस लेंगे उसे। अब यहाँ पर हम बना लेते खिचड़ी। तो कुकर में ऑयल ले लिया है, ऑयल जैसे गर्म हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर लहसुन और अदरक कूट लेती हूँ, उसका पेस्ट बना लेती हूँ। और साथ ही साथ इधर ऑयल में मैंने राई भी डाल दी है, राई को चटकने देते हैं। और थोड़ी सी हरी इलायची, दालचीनी का एक टुकड़ा, लौंग, ये सब मैं खिचड़ी में डालती हूँ, काफ़ी टेस्ट आता है इससे, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो सब डालकर यहाँ पर तड़का मैं लगा ले रही हूँ। और ये कड़ी पत्ता वगैरह डालने के बाद चटक कर मुँह पर आ जाते हैं ताजे कड़ी पत्ते, तो थोड़ा सा दूर खड़ी हो जाती हूँ। और यहाँ पर सब कुछ डाल दिया है, आलू है, हरी मिर्च है, जो जो मैंने ले लिया था तैयारी करके सब कुछ यहाँ पर डाल दिया है। अब डाला है लास्ट में कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी देर मिला लेंगे। और मैं हर गुरुवार बना ही लेती हूँ और आप देखते ही होंगे, तो ये कोई नई बात नहीं है, और खिचड़ी बनाना सब जानते हैं। बस मैं भी सादा सिंपली खिचड़ी बनाती हूँ, मगर काफ़ी टेस्टी लगती है सादी सिंपली, तो यही खिचड़ी हमको पसंद भी आती है। और ज़्यादातर खाना मैं सादा सिंपली बनाती हूँ, ज़्यादा मसालेदार खाना हमें पसंद भी नहीं आता है, मैं नहीं बनाती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ये सब डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब डालेंगे पानी। पानी में बिल्कुल थोड़ा सा गर्म मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालकर हम इसमें एक उबाल ले आएंगे। और चावल तो भीगे हुए हैं तो काफ़ी नरम खिचड़ी बनेगी, तो चावल में का पानी निकाल दिया है, अब चावल हम इसमें डाल देंगे उबलते हुए पानी में। और अच्छे से मिलाकर कुकर ढककर रख देंगे। और उस वाले चूल्हे पर मैंने दाल चढ़ा दी है अरहर की, जो मेथी की सब्जी बनानी है ना, तो पतली सी मेथी का साग बनाऊंगी मैं अरहर की दाल डालकर, तो इसलिए दाल भी रख दी है। और दाल पक चुकी है, गैस बंद कर दिया है। दिनेश की भी थोड़ी देर पढ़ाई कर ली इसने, अब यहाँ पर आकर बैठा है बातें करते हुए। बहुत सारी बातें करने लगता है दिनेश, बहुत ज़्यादा बातें करता है, पता नहीं क्या क्या बताता रहता है, इधर का उधर का, कॉलेज का नहीं स्कूल का, दीपक कॉलेज का कुछ ना कुछ बताता रहता है। और यहाँ पर ये देखिए 2 सीटियाँ लगने के बाद एकदम परफेक्ट हमारी खिचड़ी बन चुकी है और एकदम नरम। तो मैं साथ ही साथ इसे डब्बे में डालकर रख देती हूँ, अभी ये नहीं आए हैं, और जब तक ये आ जाते हैं तब तक खिचड़ी भी ठंडी हो जाएगी, तो डब्बे में पैक करके रख दूँगी ताकि ठंडी ना हो जाए। और ठंड के मौसम में, ये ठंड के दिन है ना, तो जल्दी से चीज़ें ठंडी होने लगती है, तो अच्छे से पैक करके रखो तो गर्म नहीं रह जाता है।
तो इस तरह से डब्बे में डालकर इसके ऊपर इस तरह से कवर लगा दिया है ताकि लेने में आसानी हो जाए। गर्म है ना तो पकड़ने में परेशानी हो जाती है, तो डब्बे में ढककर कवर डालकर रख दिया है ताकि वो ठंडी ना हो। और ये भी आ चुके हैं नहा रहे, और अभी साईं बाबा की आरती भी करेंगे। सुबह के टाइम ने मैंने आरती की है, आपने पहली वीडियो में देखा होगा, साईं बाबा की पूजा कथा आरती सब हुई है। फिर भी आने के बाद शाम के टाइम एक बार आरती कर लेते हैं 7 बजे, नहाकर आने के बाद नहा लेते हैं फिर आरती कर लेते हैं हम सभी। तो ये नहा रहे, तब तक मैं यहाँ पर हरी मिर्च भी अच्छी ठंडी हो चुकी है तो मैं इसे पीस लेती हूँ। तो हरी मिर्च पीस ली है, अब बना लेते हैं सब्जी। तो टमाटर वगैरह काट लूँगी यहाँ पर मीडियम साइज के 3 टमाटर ले लिए हैं, टमाटर काट लिए हैं। बना लेते हैं सब्जी। तो ऑयल ले लिया है, अब इसमें हम राई और जीरा डालेंगे। बस सिंपल तरीके से सब्जी बनाती हूँ मगर बहुत टेस्टी लगती है, ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ सब्जी में। जैसे जीरा और राई चटक गया फिर बाद में डाले कड़ी पत्ते, कड़ी पत्ते डालने के बाद लहसुन, लहसुन का कलर चेंज हो चुका है, अब डालेंगे इसमें पीसी हुई हरी मिर्च। डाल के अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे, थोड़ी देर भून लेंगे। वैसे भुनी हुई हरी मिर्च है ये, भून कर ही मैंने इसे पीस लिया है, फिर भी एक बार ऑयल में थोड़ी देर मिला लेंगे। अब डालेंगे ये कटी हरी मेथी, डालकर अच्छे से मिला लेंगे। जब तक ये मेथी सिकुड़ ना जाए तब तक हमें इस तरह से ऑयल में ही इसे मिलाते हुए भून लेना है अच्छे से, जब तक मेथी का कच्चापन चला ना जाए तब तक। ऐसा करने में इसे 3 से 4 मिनट लग सकते हैं हमें, और गैस ज़्यादा फुल नहीं है, धीमी गैस पे बनाएंगे। अब डालेंगे कटे टमाटर, अब डालेंगे इसमें नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाए। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी से गल जाते हैं। और थोड़ी देर मिलाकर हम इसे ढककर रख देते हैं। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, अब डालेंगे हम इसमें ये अरहर की दाल, इस तरह से मिलाकर रख दी है। अब इसमें मिक्स करेंगे और इसमें एक उबाल आने तक। सारा खाना बन चुका है, मेथी की सब्जी, ये देखिए मेथी की सब्जी, और यहाँ पर ज्वार की रोटी है ये, और कुकर में चावल है, और छाछ भी बनाऊंगी साथ में। और ये है साईं बाबा के मंदिर, अभी तक नहीं आए हैं, जैसे आएंगे सब खाना खा लेंगे, और ये खाना सबको पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगता है मेथी की सब्जी के साथ गर्मा गर्म ज्वार की रोटी चावल। तो जैसे आएंगे खाना हमारा लग जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आ जाते हैं। और भूखे सुबह से तो भूख भी लगी है, और ऐसा खाना देख के तो और भी ज़्यादा। अब इस वीडियो को यहीं पर कर देते हैं एंड, और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे नई वीडियोज़ में व्लॉग्स आपको डेली डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।